राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए आज कितना सुंदर सा तोरण बनाया है मैंने, गुलाब के फूल वाला, और बहुत ईजी सा डिज़ाइन है, बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं, इतना ईजी डिज़ाइन है। और इसमें कितने मोती और कितने साइज़ के लगे हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखिए बहुत ईजी सा डिज़ाइन है और बहुत सुंदर लग रहा है, ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए इसमें मैं दो कलर की ऊन यूज़ करी है, वाइट और पिंक, दोनों वर्धमान की ऊन है, सिंपल नीटिंग वूल। ये देखिए क्रोशिया हुक 2.5 mm का क्रोशिया है और एक ये 0.75 mm का क्रोशिया है मोती लगाने के लिए। तो इसमें दो क्रोशिया यूज़ करेंगे हम। देखिए सबसे पहले तोरण पट्टी बनाएंगे, वाइट कलर से बनाई मैंने तोरण पट्टी, एक नोट बना लेंगे पहले इस तरह से। ये देखिए इस तरह से 13 चेन बनानी है हमें इसमें, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 चेन बना लेंगे। एक लूप लिया, ऊपर से हमें 3 चेन छोड़नी है, 1, 2, 3 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है हमें, एक डबल क्रोशिया या 3 चेन वाला हो जाएगा। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे, अब 2 हो गए आगे वाली चेन में बना लेंगे, 3, 4 एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, 5 तो हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले अलग अलग चेन में 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे मोती लगाना है, तो मोती देखिए कैसे लेंगे, पतले वाले क्रोशिया से लेना है इस तरह से, मोती को ले लेंगे ऊन में। ये देखिए इस तरह से, ये मैंने 8 mm के मोती यूज़ करे हैं इसमें तोरण पट्टी में, 8 mm के मोती हैं ये मेरे। अब देखिए इस तरह से एक मोती ले लिया, इसको यहाँ पे एक नोट बना देंगे, मोती को यहीं पे बंद कर देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे मोती लगाने के बाद हमें एक चेन छोड़नी है, तो ये वाली चेन छोड़ देंगे, आगे वाली चेन से यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे, एक ही चेन छोड़नी है हमें बस। ये देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4 एक और ये बना लेंगे लास्ट में, 5 डबल क्रोशिया हो गए। 5 डबल क्रोशिया हमारे इधर बनेंगे और 5 ही डबल क्रोशिया हमारे इधर रहेंगे, बीच में हमें मोती लगाना है। तो ये रिपीट करते जाना है बस हमें, बहुत ईजी सी तोरण पट्टी बनाइए, 1, 2, 3 3 चेन बना के यहाँ से घूम जाएंगे इधर से। अब यहाँ पे फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाना है सारी चेन में, 1 3 चेन का हो गया, 2, 3, 4 एक और बना लेंगे इसमें, 5 डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब यहाँ पे हम मोती ले लेंगे फिर से, दोनों साइड से मोती लगाने इस तरह से, पतले वाले क्रोशिया हुक से इस तरह से धागे में से निकाल लेंगे मोती को। अब देखिए यहाँ पे एक नोट बना देंगे इस तरह से, मोती रुक जाएगा। अब आगे हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से, इस चेन में सारी चेन में 1 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, 5 ही बनेंगे, 1 हो गया, 2, 3, 4 और एक ये लास्ट में इसके ऊपर जो 3 चेन हमने बनाई थी शुरू में, इसके ऊपर बना देंगे डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए इस तरह से बनाते चले जाएंगे, एक बार और बता देती हूँ, 3 चेन बना लेंगे, यहीं से घूम जाएंगे, बस यही रिपीट करते रहना है सारी में, 5 डबल क्रोशिया बना देंगे, 2, 3, 4 एक इस वाली चेन में बना देंगे, 5 डबल क्रोशिया। यहाँ पे एक मोती ले लेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक मोती ले लिया मैंने, नोट बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे भी हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, दोनों साइड 5 5 डबल क्रोशिया रखने हैं, 1, 2, 3, 4 और लास्ट में इसके ऊपर बना देंगे 5 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन बना के इधर से घूम जाएंगे, तो यही रिपीट करते रहना है बस हमें यहाँ पे। इस तरह से तोरण पट्टी बनानी है हमें कंप्लीट। ये देखिए इस तरह से तोरण पट्टी मैंने बना ली अपनी कंप्लीट। ये 32 इंच की तोरण पट्टी है मेरी, 32 इंच इसकी लंबाई है। ये देखिए ईजी है और बहुत सुंदर लग रही है बनने के बाद, बहुत ही ईजी सी बनाई है और सुंदर डिज़ाइन है। ये देखिए इस तरह से बना लेंगे मोती, आप इसमें छोटे बड़े कैसे भी लगा सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपके पास है वही साइज़ यूज़ कर सकते हो आप।
देखिए अब इसमें बॉर्डर कैसे बनाया मैंने, बॉर्डर बनाना बताती हूँ। सारे ये जो डबल क्रोशिया हैं हमारे साइड में, इसमें मैंने तीन तीन सिंगल क्रोशिया बनाए सारे में, दो एक और बना लेंगे, तीन 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 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसमें तीन हो गए, अब इसमें आगे वाले में तीन बना देंगे, एक दो तीन, अब आगे वाले में तीन बना देंगे, एक दो तीन, और यहाँ कॉर्नर वाले में मैंने चार सिंगल क्रोशिया बनाए। सारे कोने पे हमें चार चार ही बनाने हैं, एक दो तीन, एक और बना देंगे, चार चार हो गए। और साइड में देखिए मैंने यहाँ पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, जैसे यहाँ बनाया सारे के बीच सब के बीच में एक एक सिंगल क्रोशिया, वैसे ही इधर की साइड बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बता देती हूँ, थोड़ा सा कोने पे हमें चार बनाने हैं सारे कॉर्नर पे, तो यहाँ पे इनके बीच में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है सारे डबल क्रोशिया के बीच में। इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे दो बनाएंगे, एक इधर की साइड बना लेते हैं और एक मोती के इधर की साइड बना देंगे। इस तरह से सब में, बाकी सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से तोरण पट्टी कंप्लीट करनी है हमें। बहुत इजी सा डिज़ाइन है, बहुत सुंदर लग रहा है बनने के बाद। देखिए यहाँ मैंने चार बनाए हुए हैं पहले से ही, इसमें स्लिप स्टिच बना के ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे धागा कट कर देंगे, ये सुई से एडजस्ट कर देंगे पीछे धागा। ये देखिए इस तरह से सुंदर सी तोरण पट्टी बन के कम्प्लीट हो गई हमारी। ये देखिए देखिए फूल बनेंगे। फूल में पहले पिंक कलर यूज़ किया है, एक नोट बना लेते हैं इस तरह से, क्रोशिया हुक में ले लेंगे। अब हमें इसमें 105 चेन बनानी है, 105, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, इस तरह से हमें इसमें टोटल 105 चेन बनानी है। तो ये मैं बना लेती हूँ, 10 हो गई हमारी। ये देखिए इसमें मैंने टोटल 105 चेन बना ली है। ये बहुत इजी सा डिज़ाइन है फ्लावर का, बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे एक लूप ले लेंगे, ऊपर से हमें दो चेन छोड़नी है, देखिए एक दो, दो चेन छोड़ के फिर से दिखा देती हूँ, एक दो, दो चेन छोड़ के तीसरी वाली में यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है सारी चेन में, एक एक इस तरह से एक लूप लिया। नेक्स्ट वाली चेन में धागा निकालेंगे इस तरह से, सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, ये हाफ डबल क्रोशिया होता है, तो सारी चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, तीन धागों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। लूप लिया, तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, सारी चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ही मैं बना लेती हूँ, सारी चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है। ये देखिए सारी चेन में मैंने एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है, इस तरह से चेन बन जाएगी हमारी। अब देखिए यहाँ से छह चेन बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन बना के इधर घुमा लेंगे इसको। अब देखिए पहली वाली चेन काउंट नहीं करनी है हमें, ये जो दिख रही है ये वाली काउंट नहीं करनी है हमें। देखिए ये वाली चेन हमें काउंट नहीं करनी, यहाँ से एक दो, दो चेन छोड़ के तीसरी वाली में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे तीसरी वाली चेन में इस तरह से। तो यहाँ पे तीन चेन एक का छः चेन बनाई है, एक डबल क्रोशिया के लिए तीन चेन बनाई है और तीन चेन हमें बनानी है सबके बीच में। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया हो गया, तीन चेन बना लेंगे, एक दो तीन, अब यहाँ पे दो चेन छोड़ देंगे, एक दो, दो चेन छोड़ के डबल क्रोशिया बना देंगे आगे वाली चेन में तीसरी वाली में, फिर से तीन चेन बना लेंगे, एक दो तीन, दो चेन छोड़नी है, एक दो, दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। पूरा राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है ये वाला। इस तरह से तीन चेन बना लेंगे, एक दो तीन, एक दो, दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, तीन चेन बना लेंगे, एक दो तीन। तो पूरा राउंड हमें ये पूरी लाइन ऐसे ही बनानी है।
दो चेन छोड़ के तीसरी वाली में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से तीन चेन बना के दो चेन छोड़ दे तीसरी वाली में डबल क्रोशिया बना लेंगे। पूरा ऐसे ही कंप्लीट करना है, ये मैं कर लेती हूँ अभी। ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये जाली देखिए काउंट करके बताती हूँ मैं कितनी बनेंगी ये हमारी। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ये देखिए 34 जाली बनेंगी ये हमारी। 34 हो गई टोटल। अब आगे वाला राउंड बनाते हैं। देखिए यहाँ से तीन चेन बना लेंगे पहले, 1, 2, 3। अब यहाँ से घूम जाएंगे, इसमें हमें चार डबल क्रोशिया बनाने हैं। लूप लिया, इसके बीच में चार डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1, 2, 3, एक और बना लेंगे, 4, चार डबल क्रोशिया। आगे वाले में आ जाएंगे यहाँ पे, चार डबल क्रोशिया आगे वाली जाली में, 1, 2, 3, एक और बना लेंगे, 4, चार डबल क्रोशिया। अब इसमें भी 4 और इसमें भी 4 डबल क्रोशिया, चार जाली में बनाना है। दो जाली में बन गए 4-4 डबल क्रोशिया, दो में और बनाना है। चार जाली में हमें 4-4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, इसमें भी 4 डबल क्रोशिया, इसमें भी 4 डबल क्रोशिया। तो इन दो में मैं बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँ कैसे बनाना है। ये देखिए चार जाली में मैंने बना लिया, 1, 2, 3, 4, चार जाली में हमें 4-4 डबल क्रोशिया बनाना है, ये बन गया। अब आगे हमें ऐसे नहीं बनाना है, देखिए इधर से कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, तीन चेन बना के इसमें स्लिप स्टिच बना देंगे, इसी वाली जाली में जिसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बना रखे हैं, इसी वाली जाली में स्लिप स्टिच बना देंगे यहाँ पे। ये देखिए इधर, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब हम इसमें चले जाएंगे आगे वाली जाली में, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे, आगे वाली जाली में जाके स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे भी तीन चेन बनानी है, 1, 2, 3, तीन चेन बना के अब इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, टोटल 4 हो जाएंगे तीन चेन लगा के। तो 2 हो गए, 3 चेन का 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 हो गए, 3, एक और बना लेंगे इसमें, 4 डबल क्रोशिया हो गए इसमें भी। अब देखिए जो ये बीच में ये डबल क्रोशिया बनाया हमने, ये वाली लाइन है बीच में डबल क्रोशिया वाली, इसके ऊपर यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इसमें, 1 और बना लेंगे इसी के ऊपर, 2 डबल क्रोशिया इसमें हो गए, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब आगे वाली चेन में आ जाएंगे इस जाली में यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए 1, 2 और ये हो गए 3, 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे, टोटल 4 बनाने हैं। तो यहाँ पे 3 चेन बनानी है, 1, 2, 3, और यहाँ पे इसमें स्लिप स्टिच बना देंगे, तो ये हमारे 4 हो जाएंगे टोटल। 3 चेन का 1 ही डबल क्रोशिया काउंट होता है इस तरह से। तो इसमें भी 4 हो गए, इसमें 4 हो गए, और बीच में हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह से हमें अलग अलग कर पार्ट करके बनाने हैं। ये देखिए यहाँ से अलग हो जाएंगे इस तरह से। अब इसमें हमारा कंप्लीट हो गया, अब आगे वाली जाली में आ जाएंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे, सेम ही बनाना है बिल्कुल इसी तरह के। ये अलग अलग पेटल्स बनानी है हमें फूल की। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, तीन चेन बना के ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, इसके अलग इससे अलग 3 डबल क्रोशिया और बनाने, टोटल 4 बनाने हैं। तो इसको काउंट कर लेते हैं, 2 हो गए, 3, एक और बना लेंगे इसमें, 4 डबल क्रोशिया। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और बना लेंगे इसी में ही, 2, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बना देंगे, तो ये 4 हो जाएंगे टोटल। 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे पहले, 1, 2, 3, एक 3 चेन का हो जाएगा, 1, 2, 3, तीन चेन बना के इसी में स्लिप स्टिच बना देंगे, तो 1 डबल क्रोशिया काउंट होता है 3 चेन का भी, तो ये भी 4 हो जाएंगे टोटल। इस तरह से कि अलग अलग पेटल बनाने हैं। अब इसमें आ जाएंगे फिर से, सेम ही बनाना है बिल्कुल, 3 चेन बना लेंगे, 1, 2, 3, तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे इससे अलग, टोटल 4 हो जाएंगे हमारे इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया हो गए और एक ये चेन वाला, ये डबल क्रोशिया हो गया 3 चेन वाला, तो टोटल 4 हो गए हमारे। अब यहाँ पे इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 और बना देंगे इसी में, 2, इस तरह से। अब इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक 3 चेन से बन जाएगा, 4 हो जाएंगे, 1, 2, 3, तीन डबल क्रोशिया हो गए और 3 चेन बना लेंगे, 1, 2, 3, इसी में यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे।
फिर से स्लिप स्टिच बना के आगे वाली जाली में आ जाएंगे। तो इसी तरह से ही बनानी है ये हमें। ये देखिए अलग अलग पैटर्न, तीन बता दी मैंने आपको, ये हमें टोटल 9 बनानी है इस तरह की पैटर्न। इससे अलग ये 4 वाली अलग है, और ये दो दो जाली में बनानी है हमें। इस तरह के हमें 9 पैटर्न बनानी है इसमें। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ 9। ये देखिए इसमें मेरी 9 पैटर्न बन गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ये 4 वाला ये अलग है स्टार्टिंग में, ये मैंने काउंट नहीं किया, इसको लगा के 10 हो जाएंगे। ये अलग 4 में है, ये दो दो में हमारे, तो ये 9 हो गई दो दो वाली। अब यहाँ से हमें वाइट कलर यूज़ करना है। यहाँ मैंने स्लिप स्टिच बनाया है अभी अभी, 3 चेन बना के इसमें स्लिप स्टिच बना दिया। अब यहाँ से वाइट कलर यूज़ कर लेंगे हम। ये देखिए यहाँ से वाइट कलर ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे आ जाएंगे स्लिप स्टिच बना के इस वाले इसमें जाली में। बनाना सेम ही है हमें, थोड़ा सा चेंज है इसमें वाइट वाले में। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बना के इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमें 4 चेन बनानी है। 1, 2, 3, 4। पिंक वाले से हमें 3 चेन बनाई थी, यहाँ पे हमें 4 चेन बनानी है। देखिए यहाँ पे 4 चेन बना ली वाइट कलर से। पिंक वाले में हमने 3 चेन बनाई थी, इसमें हमें 4 चेन बनानी है। ये थोड़ी सी बड़ी बनानी है पत्तियाँ हमें। यहाँ से पिंक कलर के धागे को कट कर देंगे, ये सुई से एडजस्ट कर देंगे पीछे इस तरह से। देखिए 4 चेन हो गई। अब हमें इसमें, हमने यहाँ डबल क्रोशे बनाया था, यहाँ ट्रिपल क्रोशे बनाना है। देखिए एक बार दिखा देती हूँ। एक लूप लिया, एक बार और लिया, दो बार लूप लेके इसमें ही बनाना है हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है। इसको ट्रिपल क्रोशे बंद कहते हैं। एक बार निकाल लिया, एक बार और निकाल लिया, दो बार, और ये तीसरी बार में, 3 बार में निकलेगा, इसलिए ट्रिपल क्रोशिया है। फिर से बनाएंगे। एक हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशिया। ये हमें 4 बनाने हैं, 4 चेन से अलग हमें ये 4 बनाने हैं। चेन लगा के हमारे 5 हो जाएंगे ये। देखिए एक बार में 2 धागे निकालेंगे, फिर से 2 निकालेंगे, फिर से 2 निकालेंगे, 2 बार हो गया ये। इस तरह से हमें ये 4 बार बनाना है एक ही जाली में। इस तरह से 3 बार हो गया। फिर से बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, इसी में ही 4 बार हो गया। तो 4 चेन है हमारी और 4 बार ये हो गया ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए इसके ऊपर, यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर, यहाँ भी हमने बनाए थे 2 डबल क्रोशिया, इसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। इसके ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे एक। तो यहाँ पे अब हमें 2 चेन भी बनानी है। 1, 2 चेन बना के और इसके जॉइंट पे यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरह से। तो ये डिज़ाइन पत्ती वाला बन जाएगा। इसमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया इसी के ऊपर बनाएंगे, यहाँ पे ये डबल क्रोशिया के ऊपर यहीं पे ही बना देंगे। 1 और 2 बनाने हैं इसमें हमें इस तरह से। तो 2 के बीच में हमें ये डिज़ाइन बनाना है अब इसमें। अब देखिए फिर से ट्रिपल क्रोशिया इस वाली जाली में आ जाएंगे। अब यहाँ पे 4 बनाने हैं ट्रिपल क्रोशिया, 4 ही दूसरी वाली जाली में बनाए थे। 1, 2, 3 एक और बना देंगे इसमें 4, 4 बार बना देंगे ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 4 चेन बनानी है, 1, 2, 3, 4, और इसमें यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे इसी में। बनाना सेम ही है जैसे हमने इनमें बनाया था, इनमें डबल क्रोशिया बनाया है, इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और इसमें एक एक्स्ट्रा भी बनाया है। चेन 4 चेन है इसमें, फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया है, टोटल मिला के 5 हो जाएंगे। और इन इसके ऊपर हमारे 2 ही हैं ट्रिपल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर, और इसमें भी 4 ट्रिपल क्रोशिया और एक 4 चेन हो गई, तो ये 5 हो गए टोटल। अब देखिए इसमें सेम इसमें, अब ये आगे आ जाएंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के आगे वाली जाली में 4 चेन बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 4 चेन हो गए, ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे 4 बार, सेम ही बनाना है अभी। एक बार और बता देती हूँ, एक बार हो गया ट्रिपल क्रोशिया, 2 बार, 3 बार, एक बार और बना लेंगे इसमें 4 बार, 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बना के, और 4 चेन है हमारी अलग से, टोटल 5 बार हो गया। अब इसमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया इसके ऊपर बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। एक ट्रिपल क्रोशिया बना के यहाँ पे हमें 2 चेन बनानी है, 1, 2, और यहाँ पे जो इसका जॉइंट है ये वाला, इस धागे में से स्लिप स्टिच बना देंगे यहाँ पे। अब फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इसी के ऊपर, डबल क्रोशिया के ऊपर, ये देखिए इस तरह से। एक में 2 बनाने हैं और ये डिज़ाइन बनाना है बीच में, एक में 2 बनाए हैं। अब आगे ट्रिपल क्रोशिया आगे वाली जाली में, इस वाली जाली में 4 बना लेंगे, 1, 2,
तीन, एक और बना लेंगे चार, चार बार ट्रिपल क्रोशिया हो गया और चार चेन बना लेंगे, एक दो तीन चार। ये देखिए इस तरह से टोटल पाँच हो जाएंगे, इसमें स्लिप स्टिच बना देंगे। ये पत्ती कंप्लीट हो गई, अब आगे वाली में आ जाएंगे इस तरह से। ये देखिए फिर से यहाँ भी ऐसे रिपीट करना है। तो ये हमें छः बनानी है, एक दो बन गई हमारी, चार और बनानी है, दो जाली में एक पत्ती बनेगी, तो ये हमें टोटल छः बनानी है। ये मैं बना लेती हूँ अभी। ये देखिए ये बन गया मेरा वाइट वाला, छः डिज़ाइन बन गए, एक दो तीन चार पाँच छः। यहाँ पे मैंने चार चेन बना के एक स्लिप स्टिच बना दिया है यहाँ पे लास्ट में, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे एक चेन बना के धागा कट कर लेंगे, ये धागा थोड़ा सा बड़ा कट कर लेंगे, इसी से ही सिलाई कर देंगे फूल की। इस तरह से बड़ा धागा कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से यहाँ से अब फूल की सिलाई करेंगे। ये हमारा बन के रेडी हो गया। ये देखिए फूल की सिलाई करेंगे, कैसे करेंगे देखिए बताती हूँ। ये यहाँ से ये देखिए फूल बन के हमारा रेडी हो गया। इस तरह के मैंने पांच फूल बनाए, ये 12 mm का मोती है, 12 mm का इनमें भी नहीं लगाए मैंने, इनमें सब में मोती लगाना है। ये देखिए पांच मोती हैं, ये पांच फूल हैं हमारे, तोरण पट्टी में एडजस्ट करेंगे अब इनको। ये देखिए तोरण पट्टी में फूल जोड़ने बताती हूँ मैं आपको, ये मैंने मार्कर लगाया है। तो देखिए यहाँ से हमें एक कोने वाला है, ये एक दो तीन चार पाँच छः, छः डिज़ाइन छोड़ के सातवें डिज़ाइन में फूल लगाना है। लास्ट में भी मैंने छः ही डिज़ाइन छोड़े हैं लास्ट में से, दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से लास्ट में से भी छः डिज़ाइन छोड़ के तब फूल लगाया है मैंने। तो शुरू में और लास्ट में हमें देखिए एक कोने वाला भी हमें काउंट करना है, दो तीन चार पाँच छः, छः डिज़ाइन छोड़ के सातवें वाले में फूल लगाना है। अब देखिए फूलों के बीच में कितना गैप करना है, पहले और लास्ट में हमें छः छः डिज़ाइन का गैप करना है। अभी इसमें फूल लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह का गैप करके सोलहवें डिज़ाइन पे फूल लगाना है। ये डिज़ाइन सेम ही है, तीन तीन सिंगल क्रोशिया है सब में ही।
तो 15 डिज़ाइन जोड़ के देखिए फिर से दिखा देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 डिज़ाइन छोड़ के 16वें डिज़ाइन पे हमें फूल लगाना है, सुई से टांका लगाना है बस एक सिंपल। तो सारे फूलों के बीच में 16वें डिज़ाइन पे 15 डिज़ाइन गैप करके 16वें डिज़ाइन पे हमें फूल लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये वाले 15 डिज़ाइन छोड़ के 16वें डिज़ाइन पे हमें फूल लगाना है। तो सारे फूलों के बीच में, सारे फूलों के बीच में मैंने इतना ही गैप किया है, बीच में से फूल हमें नहीं जोड़ने हैं। अब देखिए फूल कहाँ से जोड़ना है, एक पत्ती मैंने डबल सिलाई करी है ये वाली, इसीलिए करी है कि इसको हम यहाँ पे टांगेंगे, इस पे वजन पड़ेगा तो ये नीचे नहीं झुकेगी क्योंकि इसमें डबल है ये वाली पत्ती, तो यहाँ से इसमें सिलाई कर देंगे इसकी। अभी देखिए ये सिलाई होगी फूल की हमारी। अब यहाँ से हमें बीच में वाइट वाले डिज़ाइन बनाने हैं, ये वाले पम पम वाले डिज़ाइन बताती हूँ कैसे बनाना है। देखिए मैंने धागे में 60 मोती डाले हैं, 60, तो हमें एक डिज़ाइन में 60 मोती लगेंगे दोनों फूलों के बीच में, एक डिज़ाइन में 60 मोती लगेंगे। तो पहले हमने 60 ही डालने हैं बस, दोबारा दूसरी साइड से करेंगे तो दोबारा से मोती डाल लेना। तो इस तरह से हमें एक बार में 60 मोती चाहिए एक डिज़ाइन के लिए, तो धागा कट करना पड़ेगा जब भी नेक्स्ट उसमें जाने के लिए, तो दोबारा से मोती डाल लेना। देखिए बनाना कहाँ पे डिज़ाइन, ये पत्ती हमने ज्वाइन करी है ये वाली, तो इससे नीचे वाली पत्ती है जो ये देखिए दिख रहा है डबल क्रोशिया यहाँ पे, ये वाला देखिए ये वाला डबल क्रोशिया दिख रहा है इस पत्ती के बीच में, ये वाला यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे धागा ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ये धागा यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, धागा ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, ये देखिए ज्वाइन हो गया। तो एक चेन और बना लेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा, धागा ज्वाइन किया क्योंकि हमने यहाँ पे, ये देखिए एक चेन बना के यहाँ पे ज्वाइन करके एक चेन बना दिए मैंने। इससे अलग हमें 5 चेन और बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन बनाने के बाद अब हमें 5 मोती लेने हैं इसमें से आगे, 5 मोती लगाए मैंने, ये देखिए यहाँ पे 5 मोती ले लेंगे। तो ये क्रोशिया हुक से लेने हैं आगे करके, एक एक करके पतले वाले क्रोशिया से इस तरह से एक एक करके इनको आगे कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से 5 मोती आगे कर लिया हमने, इसमें 5 मोती ले लिए। अब यहाँ पे हमें 2 चेन और बनानी है, 1, 2 2 चेन बना के अब हमें यहाँ पे पफ बनाना है। इस तरह से धागा खींच लेंगे जितना बड़ा आपको रखना है, जितना बड़ा दूसरी वाली चेन में, यहाँ से लूप लेने हैं, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 12 लूप लिए हैं इसमें मैंने। ये पफ को बंद कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, देखिए एक साइड से बन गया हमारा। फिर से 5 चेन बना लेंगे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन बना के फिर से 5 मोती आगे ले लेंगे इसमें,
ये देखिए पांच मोती मैंने आगे ले लिए हैं इसमें। अब यहाँ पे फिर से दो चेन बना लेंगे, एक दो। अब यहाँ पे हमें पफ बनाना है, फिर से बराबर साइज़ का धागा खींच लेंगे इस तरह से दूसरी वाली चेन में से। एक लूप हमारा है, दो, इस तरह से हमें 12 लूप लेने हैं इसमें से। तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। इस तरह से 12 लूप लेके पफ को बंद कर देंगे। पफ बन गया ये हमारा, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे पांच चेन बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच चेन बना के पांच मोती ले लेंगे आगे इसमें यहाँ पे। ये देखिए पांच मोती ले लिए मैंने इसमें आगे, तो एक चेन हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बना लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे भी ज्वाइन करने के बाद एक चेन एक्स्ट्रा बनाई थी शुरुआत में। तो यहाँ पे हमें पहली वाली लाइन में दो ही पफ बनाने हैं और मोती तीन बार लगाने हैं, पांच पांच। तब देखिए यहाँ पे ये जो ज्वाइन किए ये वाली पत्ती, इसके नीचे वाली पत्ती में ज्वाइन करना है यहाँ पे, इस वाली में, इसके बीच में। देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया है इसमें, ये रहा पिंक कलर का, ये रहा बीच में, इसमें यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से एक चेन बना देंगे यहाँ पे, तो ये ज्वाइन हो गया हमारी ये वाली लाइन। अब देखिए नेक्स्ट लाइन एक और बनाएंगे, यहीं से ही बनाएंगे इसमें से एक चेन बना के एक्स्ट्रा यहाँ पे, जैसे हमने उधर की साइड बनाई थी। तो अब यहाँ पे पांच चेन बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब यहाँ पे पांच मोती ले लेंगे, अब इधर की साइड जाएंगे वापस यही वाली लाइन में से यहाँ से। तो पांच मोती लेके इसमें हमने दो पफ बनाए हैं, अब आगे वाली में हमें तीन पफ बनाने हैं। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर ज्वाइन करना बताऊँगी कैसे ज्वाइन करना है। पफ हमें सेम ही बनाने हैं और पांच पांच मोती ही रखने हैं हमें। ये देखिए दूसरी वाली लाइन मैंने रेडी कर ली है, बिल्कुल सेम ही बनानी है, इसलिए मैंने ये बना ली है। 12 लूप लेके पफ बनाने हैं, तो इसमें हमने तीन बार मोती लगाए, 15 मोती हो गए, दो पफ बनाए हैं। इसमें हमने एक, दो, तीन, चार, चार बार मोती लगाए और तीन पफ बनाए हैं। तो अब देखिए ज्वाइन कैसे करेंगे, यहाँ ये देखिए इसी में यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से एक चेन बना देंगे, ये ज्वाइन हो गई यहाँ पे। अब देखिए दूसरी दो लड़ी हमारी एक ही इसमें बन गई, अब तीसरी वाली लड़ी हमें इससे नीचे बनानी है, जो इस पत्ती से, ये पत्ती के बीच में एक डबल क्रोशिया है, एक इसके नीचे है ये वाला। देखिए थोड़ा सा लूज़ रखना है इसमें, नीचे वाले इसमें जाएंगे यहाँ पे और स्लिप स्टिच बना देंगे यहाँ पे भी एक, इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पे, ये ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पे एक चेन बना लेंगे पहले, इसी तरह से बनाना है। पांच चेन बना लेंगे फिर से, एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच चेन बना के फिर से मोती ले लेंगे, तो हमें बनाना ही सेम ही है। तो मैं इसमें बना लेती हूँ मोती लेके, इसमें हमने तीन दो पफ बनाए हैं, फिर तीन बनाए, अब की बार हमें चार पफ बनाने हैं। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर ज्वाइन करना बताऊँगी इधर कहाँ से करना है। देखिए नीचे वाले मैंने चार पफ बना लिए, एक, दो, तीन, चार, और मोती एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच बार मोती लगे हैं, पाँच पाँच। और देखिए यहाँ पर इस वाले फूल में हमने ये बीच वाली पत्ती में ही जोड़े हैं, लेकिन इसके नीचे वाले डबल क्रोशिया में यहाँ पे बीच में हमने ये जोड़े हैं, दो लाइन बीच में जोड़ी हैं। ये देखिए ये पत्ती में यहाँ पे जोड़ी हैं, दो लाइन हमने यहाँ जोड़ी हैं एक साथ। अब एक तीसरी वाली लाइन हमें इसके नीचे यहाँ पे इस वाले डबल क्रोशिया में जोड़नी है, इसी के नीचे वाले में, इसी वाले में हमने उधर की साइड भी जोड़ा है दूसरे वाले फूल में भी। तो यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के इसको ज्वाइन कर देंगे धागे। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बना देंगे और एक चेन बना के यहाँ पे धागा कट कर देंगे। ये धागा सुई से एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए तीन लड़ी बनानी है एक साइड हमें, एक, दो, तीन, दोनों फूलों के बीच में तीन तीन लड़ी बनानी है। अब देखिए फूलों के नीचे यहाँ पे लटकन लगाएंगे। ये देखिए इसी तरह की लड़ी ये मैंने सारे फूलों के बीच में बनाई है। ये देखिए यहाँ पे सारे फूलों के बीच में तीन तीन लड़ी बनानी है इस तरह से। अब नीचे ये वाले पॉम पॉम लगाएंगे फूलों के नीचे, इस वाले फूल के नीचे लगाएंगे। ये देखिए इसमें मैंने 6 mm के मोती यूज़ करें यहाँ पे भी, और ये यहाँ नीचे लटकन में 6 mm के मोती यूज़ करेंगे। यहाँ पे 8 mm के करें मैंने तोरण पट्टी में, तो नीचे सारे 6 mm के मोती हैं ये मेरे। देखिए यहाँ पे नोट बना लेंगे एक मोती डाल के इस तरह से,
तो यहाँ पे पॉम पॉम हमें लगाना है। पॉम पॉम कैसे बनाते हैं इसकी शॉर्ट वीडियो है मेरे चैनल पे, आप वहाँ से देख के बना लेना अगर आपको नहीं आता है तो। ये देखिए इस तरह से पॉम पॉम लगा देंगे इसमें। इसमें हमें बड़ी वाली लटकन में हमें 25 मोती डालने हैं सुई में इस तरह से, तो मैं डाल लेती हूँ 25। देखिए इसमें हमें 25 मोती डाले हैं बड़ी वाली लटकन में, बीच में लगाएंगे यहाँ पे दोनों पत्तियों के बीच में यहाँ पे लगा देंगे। देखिए दूसरे वाले पॉम पॉम में मैंने इसमें 15 मोती डाले हैं, इसमें 25 हैं बड़े वाले में, दोनों साइड में हमें 15-15 लगाने हैं। इधर लगा देती हूँ मैं, ये देखिए इधर लगा देती हूँ मैं यहाँ पे बीच वाले से इधर थोड़ी सी, 1, 2, 3 तीसरी वाली चेन में। ये देखिए इसमें तीसरे वाले में भी 15 मोती हैं, इसमें 15 हैं और इसमें भी 15 हैं, यहाँ लगा देंगे इधर। ये देखिए फूल के नीचे 3-3 पॉम पॉम लगाने हैं इस तरह से, तो इधर फूलों में मैंने लगा रखे हैं। अब इस वाले फूल के नीचे मैं लगा लेती हूँ, फिर साइड में बताऊँगी यहाँ तोरण पट्टी में कॉर्नर पर कितने मोती लगाने हैं। ये देखिए सारे पॉम पॉम मैंने लगा दिए हैं फूलों के नीचे, अब यहाँ कोने पे लगाएंगे। तो सबसे छोटे वाले में 15 मोती डाले हैं मैंने, यहाँ कॉर्नर पर लगाएंगे सबसे पहले कोने पर यहाँ पर। ये देखिए दूसरे वाले में 30 मोती है मेरे इसमें, ये वाइट कलर का लगाया बीच में एक हमने, अगले वाले डिज़ाइन में एक एक डिज़ाइन में लगाने हैं तीनों में। ये देखिए तीसरे वाले पॉम्पॉम में मैंने 45 मोती डाले हैं इसमें बड़े वाले, सबसे बड़ा वाला ही यहाँ लगा देंगे। ये देखिए एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे जो पहला फूल है और लास्ट वाला फूल है हमारा, इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे हमें ये लगाना है जिससे कि फूल नीचे की तरफ ना हो, नहीं तो इसमें इस तरह से खिंचाव हो जाएगा। तो इस तरह से 5 मोती लगा लिए, देखिए इस वाली पत्ती पे नोट बना के मैंने 5 मोती डाल लिए और इसको यहाँ पर टाई कर देंगे। यहाँ फूल लगा हुआ है एक छोड़ के एक डिज़ाइन, ये दूसरे वाले में इस तरह से, तो यहाँ से फूल को सपोर्ट मिल जाएगा। ये देखिए तोरण बन के हमारा कंप्लीट हो गया पूरा, तो मैं आपको अभी पूरा दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है बनने के बाद और बहुत इजी सा डिज़ाइन है। ये देखिए पूरा दिखाती हूँ आपको तोरण बन के, बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत इजी सा डिज़ाइन बनाया मैंने, बिगिनर्स भी आराम से बना लेंगे इसको। ये देखिए इसमें साइड में 3-3 लटकन लगाई हैं, ये इधर 3 और फूलों के नीचे भी मैंने 3-3 ही लगाई हैं। नीचे सारे मोती 6 mm के हैं, ये नीचे वाइट वाले और नीचे जो पॉम पॉम में हमने मोती लगाए ये 6 mm के मोती हैं। ऊपर तोरण पट्टी में जो मोती हैं वो 8 mm के मोती हैं, 8 mm के, और जो फूल के बीच में लगाए हैं ये 12 mm के मोती हैं। तो ये कितने किस में लगे हैं मोती ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखिए बन के बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत ईजी से डिज़ाइन बनाया है मैंने।